स्वागत है हमारे चैनल ग्लोबल स्टडी बाय कुलविंदर सिंह। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द जाएं सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आप तक पहुंच जाए। एक्सरसाइज 2.2 का फोर्थ क्वेश्चन है आज का हमारा। अगर आपने इससे पहले के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जल्द जाएँ हमारी प्ले लिस्ट में और वो क्वेश्चन देखें। आज हम 2.2 कम्प्लीट एक्सरसाइज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। ए में क्या दिया गया है, 738 गुणा 103। अब हम 103 को अगर टुकड़ों में बांट लेते हैं तो भी 103 ही होता है। जैसे देख लेते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। 738 गुणा 100 प्लस 3 लिखते हैं तो 103 ही आता है, ठीक है। और उसके बाद इसको ब्रैकेट में बंद करना है 100 और प्लस 3 को। 738 की एक बार 100 से गुणा करनी है, 738 की एक बार 3 से गुणा करनी है। आगे चलते हैं, 738 गुणा 100 प्लस 738 गुणा 3। जब हम 738 की 100 से गुणा करते हैं तो 773,800 आता है। और प्लस जब 738 की 3 से गुणा करते हैं तो 3 से गुणा कैसे करनी है, 738 की 3 से गुणा 8 24 हासिल का 2, 3 3 9 और 9 11 हासिल का 1, 7 4 7 की 21 और 1 22 तो 2214 आ गया। और इसका जोड़ कर देंगे 7300 2214 की। जब जोड़ करेंगे तो 0 से जब 4 जोड़ेंगे तो 4, 0 से जब 1 जोड़ेंगे तो 1, 8 और 2 10 10 का आंसर लगा 1 और 3 और 2 5 और 1 6 7 का 7 आ गया। तो 76,014 आंसर इसका आ जाएगा। बी में क्या है, 854 गुणा 102। तो 102 को भी हम टुकड़ों में बांटेंगे, देख लेते हैं इसी प्रकार से। 854 गुणा 100 प्लस 2, तो इसको ब्रैकेट में बंद करना ज़रूरी है। 854 की एक बार 100 से गुणा करेंगे, 854 की एक बार 2 से गुणा करेंगे। 854 गुणा 100 प्लस 854 गुणा 2, तो 854 की जब 100 से गुणा करेंगे तो 854 दो जीरो लग जाएगी इसकी। और प्लस 854 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 1708, और इस दोनों का यहाँ पर जोड़ कर देंगे, ठीक है। 87,108 इसका आंसर आ जाएगा। आगे बी में, सी में क्या है, 258 गुणा 1008। तो 1008 के दो टुकड़े कर लेंगे, 258 गुणा 1000 प्लस 8। तो अब 258 की 1000 से गुणा करनी है और एक बार 258 की 8 से गुणा करनी है। 258 गुणा 1000 प्लस 258 गुणा 8। जब हम 258 की 1000 से गुणा करते हैं तो 258,000, ठीक है, प्लस 2000 258 की जब 8 से गुणा करते हैं तो 2064 अब इसके बाद जब हम 258,000 की प्लस 2064 की जोड़ करते हैं तो इसका आंसर जो आएगा 26,064। यहाँ पर देख लेना, 258 की 8 से गुणा गई हुई है 2064, और 258,000 प्लस 2064, तो इसको जोड़ करेंगे तो इसका ये आंसर आ जाएगा। आगे डी में क्या दिया गया है हमारा, 1005 गुणा 168। तो ये इधर दे दिया, ठीक है, तो इसका चक्कर कोई नहीं है। 1000 प्लस 5 करना है इसको गुणा 168, एक बार 168 की 1000 से गुणा करनी है, एक बार 168 की 5 से गुणा करनी है। और 168,000 प्लस 840, जब इसकी गुणा करेंगे 5 से तो, और इसका आंसर जो आएगा जब इसका जोड़ करेंगे 16,888,640, 168,840, ठीक है।
इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी को पेट्रोल टंकी में सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल भरवाया। अगले दिन उसने टंकी में 50 लीटर पेट्रोल भरवाया। यदि पेट्रोल का मूल्य 44 रुपये प्रति लीटर था तो उसने पेट्रोल पर कुल कितना व्यय किया? बिल्कुल ईजी है तो बच्चों, देख लेते हैं इतने कितना लीटर तेल भरवाया था। तो सोमवार को कितने लीटर तेल भरवाया था? 40 लीटर, ये हमने लिख दिया। और नेक्स्ट डे दूसरे दिन या अगले दिन उसने टंकी में 50 लीटर तेल भराया, लिख दिया। और कुल कितना पेट्रोल भरवा लिया उसने? 90 लीटर। ठीक है, जब इसका जोड़ करेंगे 50 और 40 का 90 लीटर आ गया। पेट्रोल का मूल्य कितना दिया गया हमें? 44 रुपये प्रति लीटर। तो अगर हम 90 लीटर का मूल्य निकालें तो 44 × 90, ठीक है, 44 रुपये लीटर तो पेट्रोल है एक लीटर का। जब हम 90 से गुणा करेंगे तो देख लेते हैं कैसे करनी है। 44, जब हम 90 को 100 माइनस 10 लिखते हैं तो भी 90 आता है, ठीक है, ये इजी तरीका है। 44 की एक बार 100 से गुणा करनी है, 44 की एक बार 10 से गुणा करनी है। तो यहाँ पर 4400 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 440। तो 4400 में से 440 माइनस करेंगे तो 3960 इसका कुल रुपए आ जाएगा। सिक्स में है हमारा, कोई दूध वाला एक होटल को सुबह 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य 15 रुपये प्रति लीटर है तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी? तो सुबह के समय उसने कितना दूध दिया था? 32 लीटर, और शाम के समय दिया गया दूध 68 लीटर दिया गया हमें। तो लिख देंगे कुल दूध कितना दिया था, 68 और 32 के जोड़ करेंगे तो 100 लीटर उसने दूध होटल पर दे दिया। और एक लीटर दूध का मूल्य कितना दिया गया? 15 रुपये लीटर। तो हमें कुल धनराशि बतानी है कितनी है। तो 100 लीटर का कुल उसने 100 लीटर दूध दिया, 100 लीटर दूध का मूल्य, एक लीटर दूध का मूल्य 15 गुणा कुल दूध दिया गया 100 लीटर, तो करेंगे तो 1500 रुपये, तो कुल धनराशि उसने 1500 रुपये प्राप्त होंगे। सेवन में है हमारा, निम्न को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है तो बच्चों कैसे करना है? तो इसमें दिया गया ए 425 × 136 बराबर 425 × 6 + 30 + 6। तो इसमें जो दिया गया है इसमें 6 + 30 × + 30 और एक बार गुणा दिया गया है। तो इसमें क्या है, योग पर गुणन की क्रम विनिमयता, ठीक है। और बी में क्या दिया गया है, 2 × 49 + 50, 2 × 50 × 49, इसमें गुणा गुणा आ रहे हैं ना, तो गुणन की क्रम भी नहीं पता क्योंकि गुणा गुणा आ रहे हैं इसमें। 80 + 200 + 2005 + 20 = 80 + 20 + 2005, इसमें क्या है प्लस प्लस आ रहे हैं, तो योग की क्रम विनिमयता, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को अपने दोस्तों में बताएं। सिक्स क्लास की सीरीज हमने शुरू करी हुई है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो जितने जल्दी हो सके। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। Please like.